नमस्कार दोस्तों, मैं हूं झगड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान की। हमारे दोस्तों एक जानने वाले थे, उनका एक प्लॉट है 20x38 20x38 फिट का और उनको एक बेहतरीन सा मॉडल चाहिए, तो उन्होंने घर बनवाना स्टार्ट कर दिया है और मैंने उनको 2D प्लान ऑलरेडी दे दिया था, बट उनका 3D अभी मैं नहीं बना पाया था किसी कारणवश। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही खूबसूरत मॉडल 20x38 मैंने क्रिएट किया है। अगर आपका भी प्लॉट 20x38 का है, 20x40 का है, 45 का है, तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैंने क्रिएट करके दी हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो इस मॉडल को बनाते समय मैंने बहुत ही विशेष ध्यान रखा है कि इस मॉडल को खूबसूरत बनाया जा सके। तो चलो पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो को डिस्क्राइब कर देते हैं। इसके लिए मैं ले चलूंगा आपको कमरे स्क्रीन पर। तो जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। दोस्तों ये सिटी में प्लॉट है, कस्बा है, और वहीं पर प्लॉट बनाना चाहते थे। तो सिटी का मतलब मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इनके चारों तरफ घर बने हुए हैं, आसपास घर बने हुए हैं, किसी और के प्लॉट हैं, तो इनका कुल मिलाकर सेपरेट, बट इनका साइड में हालांकि इन्हीं का प्लॉट है उन्होंने बताया, तो उसके लिए मैंने भी गेट का इंतजाम किया है। तो ये पूरा मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। फ्रंट लुक आप देखिएगा, यहाँ से आपको चढ़ना होगा। मेन डोर ये दोस्तों लगभग 8x8 फिट का, और ये देख सकते हैं पिलर का डिज़ाइन है। हालांकि पिलर तो आपका सिंपल ही बना, बट इसके ऊपर से ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट की है। और एक ग्रिल वगैरह का डिजाइन देखिए, ऊपर बाउंड्री वॉल कर दी है 3.5 फिट का। ये उनको ग्राउंड फ्लोर ही रिक्वायर्ड था, तो उनके अकॉर्डिंग ही मैंने ग्राउंड फ्लोर ही क्रिएट किया है, और उनका नाम भी मैंने लिख दिया है, देवेश त्रिवेदी भवन, जो कि पोखराया कस्बा पड़ता है। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए उस मॉडल को डिजाइन किया। सबसे पहले जूम करके हम इसे देख लेते हैं कि क्या इस पे मैंने मॉडल पे क्रिएट किया है। आप ग्रिल का डिज़ाइन देखिएगा, इसका पूरा भी मैं सटीक विश्लेषण करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर जब देखते हैं ना, तो आपको ये बीम टाइप का दिख रहा है, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, बीम में ऐसे बाहर टाइप के क्यों दिख रहा है आपको। तो मेन डोर तो ये जहाँ से एंट्री करेंगे, ये दोस्तों पिलर हैं 3, और एक विंडो मैंने फ्रंट में दिया है क्योंकि यहाँ पर एक गेस्ट रूम है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो अब हम जैसे टॉप व्यू देखना चाहते हैं, तो देखिए टॉप से जब देखेंगे तो सबसे पहले अभी मेन डोर जब एंट्री करते हैं तो ये आपकी जैसे अंदर जाते हैं तो ये आपका एरिया मिलता है, पार्किंग एरिया, और यहीं से मैंने स्टेयर्स दी हैं जो कि बाहर की तरफ आएंगी, और इसी के नीचे आप टैंक वगैरह अपना बना पाएंगे, सेफ्टी टैंक इसका। तो ये दोस्तों एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में जाने के लिए यहाँ से डोर दिया है, और ये एक विंडो अंदर से और एक बाहर से है जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपको देगा। इसके बाद अंदर जाने के लिए डोर है, यहाँ से एंट्री करेंगे तो जैसा आप अंदर जाते हैं तो आप आंगन में आप बोलें या डाइनिंग हॉल बोलें या आप ड्राइंग एरिया बोले, जो भी बोले, यहाँ पर आप पहुँचेंगे। और इसी कॉर्नर पर ओपन किचन मैंने बनाकर दिया है, ओपन किचन दोस्तों देखिएगा, और इस ओपन किचन को वेंटिलेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर विंडो दिया है प्रॉपर। और देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जगह छोटी, यहाँ पर वो मंदिर बना सकते हैं, और साइड में उनका जो प्लॉट है, अगर उस प्लॉट से उसे लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो एक डोर भी दे दें, वो डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पीछे दो बेडरूम देखने को मिलेंगे जिसके लिए अलग अलग डोर है, और एक बेडरूम में आपको मिलता है विंडो और दूसरे में नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों लेट बात है, बट लेट बात को मैंने दो दरवाज़ा दिया है दोस्तों, ये गैलरी टाइप की दिख रही है, इधर से मैंने दरवाज़ा दिया जिससे प्रॉपर आपको, क्योंकि किचन यहीं पर है और यहीं लेट बात है, तो लोग अशुभ मानते हैं कि किचन और लेट बात एक जगह नहीं होना चाहिए, तो ये इसी वजह से मैंने दरवाज़ा इसका इधर से दिया। अगर आप नहीं वहाँ पसंद है तो आप यहाँ से ही दरवाज़ा दे सकते हैं, और बड़ा किचन भी कर सकते हैं, आप इस जगह को कैसे भी यूटिलाइज करिएगा, स्टोर रूम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि स्टोर रूम भी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर डोर लगा हुआ है। तो ये पूरा मॉडल है, सबसे पहले पीछे दो बेडरूम देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं इसका लिट बाथ, डाइनिंग हॉल, ओपन किचन, स्टेयर्स, और इसका गेस्ट रूम। अब बात आती है, ये देखिएगा दोस्तों आगे जो निकला ना, जो दोस्तों बीम 3 पड़ेगा ना लंबा लंबा, उसको मैंने बाहर तक निकाल कर दिया है जिससे प्रॉपर सपोर्ट हो सके। जो लगभग 2 से 3 फीट का बाहर छज्जा टाइप का निकालते हैं तो उसी को सपोर्ट देने के लिए, और ये भी एक आगे फ्रंट कवर करते हुए बीम दिया है, ऐसे आपका घर का लुक बहुत चेंज हो जाता है दोस्तों, जब आप इसे बनवाएंगे तब आप प्रॉपर समझेंगे। तो अब ये ऐसा बना हुआ है, अब बात देख सकते हैं, मैं इसे मैक्सिमम जूम कर देता हूँ जैसे आपको और भी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाए, बहुत ही सटीक तरीके से देख सकते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा मैं ऐसा करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्लान दोस्तों ये होने वाला है। इसके लास्ट फ्लोर की बात करें तो वही 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ मैंने दिया है। अब देखिए जब यहाँ पर ये छज्जा आगे निकला है तब आपको समझ में आ रहा होगा इस बीम का एक्चुअल यूज क्या है, ये सपोर्ट देगा बीम को और एक लुक भी देगा, और ये
देख सकते हैं बेहतरीन सी ग्रिल मैंने इस्तेमाल किया और नॉर्मल सा प्लान था, तो बहुत ही बेहतरीन प्लान था। अगर आप लो बजट एक बेहतरीन प्लान चाहते हैं तो ऐसा ही प्लान आप क्रिएट करिएगा। ज़्यादा अगर आप फ्रंट में बहुत सारा डेकोरेशन चाहते हैं तो पैसा भी खर्च होता है और उस समय के साथ दोस्तों खराब भी हो जाता है। सिंपल से मकान ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। तो ये पूरा मॉडल था 20x38 में, जो हमारे जानने वाले थे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, हमसे घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। वो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉलिंग नहीं लगेगी, इसका विशेष ध्यान रखें। कॉन्टेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं। तो एक बार हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल जरूर करें एक लग्जरी और बेहतरीन घर बनवाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।